जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्सल कमीशन डिपार्टमेंट ने कल रख और दोस्तों ड्राइवर, PN, प्रोसेसर सर्वर जैसी वैकेंसी निकाली है। अगर आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, तो भी आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ऑफलाइन रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा भी दिया है HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कासमपट्टी शिमला 9। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गए, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेंगे जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है वो जूनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। दोस्तों, लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो देखिए 13/5/2022, यानी कि 13 मई 2022 जो इसकी लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, द रजिस्ट्रार HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्सल कमीशन, ब्लॉक नंबर 33, SDA कॉम्प्लेक्स, कासमपति, शिमला 9। ये दोस्तों आपका एड्रेस रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में हम बता चुके हैं दोस्तों, 13 मई जो इसके लास्ट डेट रहेगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके पूरी वैकेंसी की टेबल ध्यान से देख सकते हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी का पे स्केल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो JAO यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगला आप अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन पास आउट आपको होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और दोस्तों, टाइपिंग स्पीड भी आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। फीस दोस्तों आपकी 300 रुपये रहेगी अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे कि OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो मात्र 150 रुपये जो आपकी फ़ीस रहेगी। हालांकि दोस्तों, अगर आप वुमेन कैंडिडेट है यानी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसी के साथ क्लर्क के लिए भी दोस्तों आपका सेम प्रोसेस रहेगा। और आगे चलकर देखिए, अगर आप ड्राइवर के लिए या फिर दोस्तों PN के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10th पास आउट, और अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी उम्र की बात करते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी उम्र का कैलकुलेशन 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 को रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। हालांकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस लिंक से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए। जैसे कि ये पहला एप्लीकेशन फॉर्म है JAO यानी कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अगला जो है वो क्लर्क के लिए, क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और इसी के साथ अगला जो है वो ड्राइवर के लिए, यानी कि आपका अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। आगे चलकर आपको प्रोसेस सर्वर का भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, लास्ट में चलकर आपको PN का भी जो है प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि जो प्रोसेस है दोस्तों, बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। सभी जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम तरीके से फिल किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले JAO यानी कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उस फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे। और दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में भी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट डालने होगी, डेट में दोस्तों 13 अप्रैल 2022 लिखेंगे जो कि ऊपर लिखी हुई थी। ये आपका एड्रेस रहेगा, हमने पहले कॉपी कर लिया, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। आपकी फोटो दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके माता या पिता का नाम, और इसके साथ आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछे गए, यानी कि अगर आपके पास 2 एड्रेस है तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपकी DOB बतानी है। आपकी DOB दोस्तों बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मैच होने चाहिए, आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड नंबर। दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उसका एक फोटोकॉपी भी आपको अटैच करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन PG अगर आपने की है तो किस बोर्ड से की है, किस इंस्टीट्यूट से की है, ईयर ऑफ पासिंग यानी किस ईयर में पास की है, और दोस्तों कितने परसेंटेज आपने बनाए हैं। और दोस्तों, इससे जो मार्कशीट है या फिर इसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसी के साथ अटैच करनी होगी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज
में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो दोस्तों आप उसकी जो है जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों कॉलम नंबर 9 में जो आपको कैटेगरी के बारे में बताना है, इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी जुर्म में दोषी पाया गया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर आपके खिलाफ कोई पेंडिंग केस है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपके पास आपके खिलाफ कभी कोई FIR दर्ज हुई है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर डालनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया, आपकी जो फीस है वो 300 रुपये रहेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 रुपये जो आपकी फीस रहेगी। ये फीस दोस्तों आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी होगी। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना, आपने 300 पे किया या फिर 150, बैंक डिमांड ड्राफ्ट और डेट नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। अगर आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर से पे करते हैं तो दोस्तों उसकी नंबर और डेट आपको यहाँ पर लिखने होंगे। और दोस्तों कोई अदर जानकारी जो आप डिपार्टमेंट को अभी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दी गई है, ये डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी कॉलम फिल जरूर करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका जो है विलेज आप जहाँ पर रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर पैलेस और डेट आपको सिंपली लिख देने हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिर्फ 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी के साथ जो बिल्कुल सेम तरीके से आपको कलर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से आप आगे चलकर ड्राइवर का और दोस्तों प्रोसेस सर्वर का और PN का जो है बिल्कुल सेम तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों फिल करने के दौरान अगर कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग लिंक आपको दिए गए हैं सभी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बगैर किसी परेशानी के इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ऑफलाइन रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।